हेलो फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में आपको साइकोमेट्रिक पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में बताएंगे। ये टेस्ट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि चाहे आप अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहते हो, किसी अच्छी शिपिंग कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हो या फिर किसी अच्छी शिपिंग कंपनी में जॉब पाना चाहते हो, आपको ये टेस्ट देना ही पड़ेगा। और अगर आप इस टेस्ट में फेल हो गए तो यकीन मानिए कोई भी इंस्टीट्यूट या शिपिंग कंपनी आपको अपने यहाँ नहीं लेगी। आप अपनी बात छोड़िए, यहाँ तक कि एक से एक एक्सपीरियंस्ड कैप्टन या चीफ इंजीनियर भी अगर कोई नई कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनका भी ये टेस्ट होता है, और अगर वो फेल हो गए तो कंपनी उनको भी लेने से मना कर देती है। तो आप समझ सकते हैं कि साइकोमेट्रिक पर्सनालिटी टेस्ट कितना इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, और इसमें एक से एक टैलेंटेड और नॉलेजबल लड़के भी फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बिना तैयारी के जाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि साइकोमेट्रिक पर्सनालिटी टेस्ट आखिरकार होता क्या है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मर्चेंट नेवी में क्यों है, और आप कैसे इसकी तैयारी करें कि चाहे वो कंपनी का साइकोमेट्रिक टेस्ट हो या फिर किसी इंस्टीट्यूट का साइकोमेट्रिक टेस्ट हो, आप उसमें फेल ना हो। दोस्तों, मर्चेंट नेवी थोड़ा अलग तरीके का प्रोफेशन है और यहाँ पर काम करने वाले लोगों के अंदर टैलेंट की तो इम्पोर्टेंस है ही, साथ में उनकी पर्सनैलिटी और एटीट्यूड की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मर्चेंट नेवी में काम करने वालों की छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से, जो कि उनके बिहेवियर और एटीट्यूड की वजह से होते हैं, उनकी इन मिस्टेक्स की वजह से शिपिंग कंपनीज का करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताऊं कि शिप से किसी भी तरीके का कूड़ा समंदर के पानी में फेंकना मना है, लेकिन अगर आपका केयरलेस एटीट्यूड है और आपने कूड़ा फेंक दिया तो आप यकीन मानिए शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि शिपिंग कंपनी के ऊपर करोड़ों रुपए का फाइन हो सकता है। और अगर कहीं आपने गलती से तेल फेंक दिया तो इतना ज़्यादा फाइन होता है कि पूरी की पूरी शिपिंग कंपनी बंद हो जाती है। इसी तरह से आप शिप पर काम कर रहे हैं, आपके घर में कोई प्रॉब्लम हुई तब आप कंपनी के ऊपर प्रेशर बनाने लगे कि आपको घर जाना है, और अगर आप नहीं माने तो आपको घर भेजने में हो सकता है शिपिंग कंपनी को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़े। तो इन सारी वजहों से आजकल सारी अच्छी शिपिंग कंपनीज लड़कों की टैलेंट से ज़्यादा उनके एटीट्यूड और बिहेवियर पर ध्यान देने लगी हैं, और इसीलिए ये एटीट्यूड और बिहेवियर चेक करने के लिए सारी कंपनीज और इंस्टीट्यूट्स आपका साइकोमेट्रिक पर्सनालिटी टेस्ट करवाते हैं। साइकोमेट्रिक पर्सनालिटी टेस्ट में आपसे बिहेवियर बेस्ड बड़े आसान आसान से सवाल पूछे जाते हैं, आप अपनी समझ के हिसाब से उनका जवाब देते हैं और उन जवाब के बेसिस पर साइकोमेट्रिक टेस्ट के एक्सपर्ट लोग आपकी पर्सनालिटी का एक एनालिसिस करते हैं और कंपनी को रिपोर्ट भेज देते हैं कि भाई इसके आंसर्स के बेसिस पर इसकी पर्सनालिटी और एटीट्यूड इस तरह का है। और अगर कहीं आपकी निगेटिव रिपोर्ट गई तो वो शिपिंग कंपनी या इंस्टीट्यूट आपको कभी नहीं लेगा, चाहे आप जितने टैलेंटेड हो, चाहे आपके जितने अच्छे मार्क्स हों। तो आप देखते हैं कि इस टेस्ट में आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो आप देखिए कि बड़े आसान आसान से क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल बिहेवियर बेस्ड, जैसे कि डू यू लाइक टू गो टू पार्टी विद योर फ्रेंड्स। तो बड़ा ही आसान सा सवाल है और आपको आंसर भी एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, स्ट्रांगली डिसएग्री, इन पांच ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चुन लेना है। और इस तरह के लगभग 200 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना पड़ता है। टाइम ड्यूरेशन इसमें शॉर्ट रहती है जिससे आपको ज़्यादा सोचने का मौका ना मिले और आपको तुरंत तुरंत जवाब देने पड़े। तो देखने में ये बड़े आसान से सवाल लगते हैं, लेकिन दोस्तों याद रखिए कि आपका जवाब आपका मर्चेंट नेवी में भविष्य तय करता है। तो इस तरह के ये आसान से दिखने वाले टेस्ट से ये शिपिंग कंपनीज और इंस्टीट्यूट्स आपकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं, जैसे कि आप अपनी फैमिली प्रेशर में कितना आते हैं, फैमिली से आप कितने जुड़े हुए हैं, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आप पैनिक में आ जाते हैं या शांत रहते हैं, 6 महीने आप शिप में रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, जहाँ पर आपको फ़ोन भी शायद लिमिटेड मिले, इंटरनेट भी बहुत कम मिले, तो इन सारी सिचुएशन में आप रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, किसी वजह से आपको बहुत लंबा रुकना पड़े या जल्दी घर आना पड़े तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें ये कंपनीज आपके बारे में इस टेस्ट के माध्यम से जानना चाहती हैं। इसीलिए इस टेस्ट के ये क्वेश्चंस भले ही आपको बड़े आसान से दिखते हों, आंसर्स भी बड़े आसान से दिखते हों, लेकिन बहुत सोच समझ करके आंसर आपको देना चाहिए, वरना अगर आपकी निगेटिव रिपोर्ट आई तो जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी तुरंत आपको निकाल कर बाहर कर देगी।
तो आपका टारगेट होना चाहिए कि इस साइकोमेट्रिक पर्सनालिटी टेस्ट में आप फेल ना हो, आपकी निगेटिव रिपोर्ट ना जाए। तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप इस तरह के कुछ टेस्ट की प्रैक्टिस जरूर करें, जिससे कि आप जब इसका एग्जाम देने जाएं तो एटलीस्ट आपको पता हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एक थोड़ा बहुत रफ आइडिया भी हो कि हमको किस तरह का इनका जवाब देना है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि आपको इन क्वेश्चंस के ऐसे जवाब देने हैं कि वो आंसर्स आपकी पर्सनालिटी जो कि शिपिंग कंपनी ढूंढ रही है उस पर फिट बैठते हों। दूसरी चीज कि इस टेस्ट में एक ही तरीके का क्वेश्चन घुमा फिरा करके 3-4 बार पूछा जाता है, तो आपको चारों बार एक जैसा आंसर देना है, कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर नहीं देना है। जैसे कि पहले आपसे पूछा गया कि आपको दोस्तों के साथ घूमना फिरना पार्टी में जाना बहुत अच्छा लगता है, आपने जवाब दिया कि हाँ। दूसरी जगह आपसे पूछ लिया कि आपको अकेले रूम में बैठ करके बुक पढ़ना अच्छा लगता है, तब भी आपने दे दिया हाँ। तो इनमें थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है कि एक जगह तो आप कह रहे हैं कि आपको बाहर जाना, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना अच्छा लगता है, दूसरी जगह आप कह रहे हैं कि नहीं, आपको अकेले रूम में अकेले रहना अच्छा लगता है, तो इससे भी आपको बचना है। इसी तरह की बहुत सारी मिस्टेक्स कैंडिडेट्स करते हैं और इसकी वजह से वो साइकोमेट्रिक पर्सनालिटी टेस्ट में फेल हो जाते हैं, उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आती है और अच्छी कंपनियां उनको रिजेक्ट कर देती हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि जैसे आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी करते हैं, वैसे ही आप साइकोमेट्रिक पर्सनैलिटी टेस्ट को बिल्कुल हल्के में ना लें, बल्कि इसको अपने सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस दें और उसकी तैयारी करें। तो आप इनके कहीं ना कहीं से कुछ प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह जरूर ले लें, वो आपको एनालिसिस रिपोर्ट दे देंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप साइकोमेट्रिक पर्सनैलिटी टेस्ट में कैसा परफॉर्म करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आपको साइकोमेट्रिक पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी मिल गई, और अंत में मैं आपको फिर वार्न कर दूं कि आप इस टेस्ट को किसी भी हालत में हल्के में ना लें, ये आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन का सबसे बड़ा कारण बन सकता है।